Madhu, and in this video we are going to discuss about how to register your NGO as a society. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर अपने NGO को as a society register कराना चाहते हैं तो आप उसे कैसे register कराएं। अपने NGO को as a society register कराने के लिए आपको MP गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है, जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑनलाइन पोर्टल पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप अपने सोसाइटी को ऑनलाइन रजिस्टर करा पाएंगे। तो चलिए उस लिंक पर क्लिक करके हम चलते हैं उस पोर्टल पर और करते हैं अपने NGO को सोसाइटी के रूप में ऑनलाइन रजिस्टर। सो ओके नाउ लेट्स। पर लिंक दी थी, उस लिंक पर क्लिक किया MP ऑनलाइन गवर्नमेंट, तो मैं इस तरह से इस पोर्टल पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर आपको ये पोर्टल दिखाई दे रहा होगा कि ये किस तरह का एक इंटरफेस है। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से रहता है और हमें क्लिक करना होता है। यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट्स पर जब मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरे पास होगा सिटीजन सर्विसेज। यहाँ पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगी। एप्लीकेशन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरे पास में कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा होगा फाइवनेस, धार, एसिडेंट, पॉइजन, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर मुझे अपना सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना है। तो सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर फर्म एंड सोसाइटी को सर्च करूँगी। फर्म एंड सोसाइटी को सर्च करने के बाद मैं उसे क्लिक करूँगी। तो इसके लिए मैं भी नीचे स्क्रॉल करती जा रही हूँ और देखिए मेरे पास में सामने आपको दिख रहा होगा फर्म एंड सोसाइटी। तो मैं फर्म एंड सोसाइटी पे आ चुकी हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर साइन इन टू योर अकाउंट आ रहा है, बट क्या अभी आपने यहाँ पर इस पोर्टल पे कोई अकाउंट बनाया है? नहीं बनाया। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या होगा, आपको ये जो पेज आपके सामने ओपन हुआ, इस पेज पर आप ये देखिए लेफ्ट साइड में लोअर कॉर्नर पे एक न्यू यूजर ये साइन अप करके कुछ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्रिएट प्रोफाइल फॉर फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको करना होगा आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर फर्म एंड सोसाइटी, नो अभी तक हमने रजिस्टर नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे नो पर। नो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे होगा एप्लीकेंट का नेम, हम यहाँ अपना नेम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पर जो भी होगी उसके लिए हमें यहाँ पर एक मेनू दिखेगा, तो हम यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ईयर चेंज करें तो आप यहाँ से कैंसिल करके अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक 1995 आपको सेलेक्ट करना है तो वो जो भी आपको सेलेक्ट करना है व्हाटएवर वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना एक मोबाइल नंबर देंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी स्टेट्स आपके सामने आ जाएंगी। आप जिस स्टेट में रहते हैं वही वाली स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप ईमेल डालेंगे अपना। ओके, ईमेल डालने के बाद पासवर्ड, पासवर्ड कैसे डालेंगे आप यहाँ पर देखिए नीचे राइट कलर से एक लाइन दिख रही है, द लेंथ ऑफ द पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर एंड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। मीन्स इसमें 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे $$ परसेंटेज साइन या फिर हैश। ओके, तो यहाँ पर मैं आपका पासवर्ड क्रिएट करना सिखा देती हूँ। आप अपना ईमेल डालने के बाद जो भी पासवर्ड डालेंगे वो कुछ इस तरह से डालेंगे। लाइक मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया ABCD। ओके, @ABCD। ओके, ये कितने कैरेक्टर का हो गया, 8 and 9 कैरेक्टर का हो गया और एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया। यहाँ फिर रीटाइप कर देते हैं ABCD@ABCD। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पर मैंने अभी अपना ईमेल नहीं डाला, मोबाइल नंबर नहीं डाला, तो चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन मैं फिल कर देती हूँ। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पर। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा, योर बेसिक डिटेल्स हैव बीन सेव्ड, मतलब हमारी बेसिक डिटेल्स इसमें सेव हो जाएगी। तो चलिए मैं ये अपना रजिस्टर कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ओके, मैंने ये सारी प्रोसेस फिल कर ली और रजिस्टर पर क्लिक कर दिया। अब मैंने वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन MP ऑनलाइन लिमिटेड पे कर दिया, मतलब मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पे मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन जब मैंने कर दिया था तो मेरे सामने जो एक डिस्प्ले मैसेज आया था वो कुछ इस तरह का था, जो आपके पास भी आया होगा। ओके, जब ये डिस्प्ले मैसेज आपके पास आ जाएगा तो आप वापस से फिर से गूगल पे जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पर, आप जब इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर फिर से आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप
जैसे मैंने आपको बताया था सिटीजन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। सिटीजन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से सेलेक्ट करने के लिए आएगा आपको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन चाहिए। मुझे फॉर्म एंड सोसाइटी के लिए चाहिए, तो मैं नीचे से स्क्रॉल करती जाऊँगी। नीचे आप ये देखिए फॉर्म एंड सोसाइटी अभी मेरे सामने आ जाएगा। ओके, ये आ गया मेरे सामने फॉर्म एंड सोसाइटी। तो मैं फॉर्म एंड सोसाइटी पे क्लिक कर दूंगी। फॉर्म एंड सोसाइटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही आ रहा है साइन इन टू योर अकाउंट और न्यू यूजर, बट पहले हमने न्यू यूजर पे क्लिक किया था क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई अकाउंट नहीं था, बट अब इस पोर्टल पे हम अकाउंट बना चुके हैं तो हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ हमने जो ईमेल आईडी डाली थी वो ईमेल डाल देंगे, और यहाँ हमने पासवर्ड डाला था ABCD@ABCD पासवर्ड डाल देंगे। और चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी डाल देती हूँ। ओके। अब जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला तो मेरे सामने जो इंटरफेस आया था वो कुछ यहाँ पर आया सेव पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड सेव नहीं करना चाहती इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। वो कुछ इस तरह से आया था, ये मैंने अपना यूजर नेम डाला था ABCD, तो इस तरह से आ गया। यहाँ मेरे पास आ गया ये इस तरह से 4 जनवरी 2019। ओके, टाइम भी आ रहा है मुझे, फॉर्म एंड सोसाइटी के लिए भी आ रहा है ये सब। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या होता है। अभी पहले मैं करूँगी सोसाइटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे, बट मैं आपको बता देती हूँ कि सोसाइटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जब हम फीस पे करेंगे तो हमें एक चालान बनाना होगा। चालान बनाने के बाद हम उस चालान को डिपॉजिट कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो दिख रहा है अनपेड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करने के लिए तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि पहले तो हम सोसाइटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम वापस से अपने इसी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद क्लिक करेंगे अनपेड एप्लीकेशन पे। अनपेड एप्लीकेशन पे क्लिक करने होगा, मतलब हमें यहाँ पर दो ऑप्शन की ज़रूरत होगी। तो चलिए सबसे पहले अपने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर लेते। तो यहाँ लिखेंगे हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ मैंने क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो आप ये देखिए मेरे सामने एक इंटरफेस आ जाता है कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर आ रहा है आर यू अ गवर्नमेंट एजेंसी सोसाइटी और डिपार्टमेंट। नो, आप कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट सोसाइटी नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी नो। सेकेंड है डू यू की वैस नियमावली मॉडल बाय IAWS। ओके, तो यहाँ पर ये है कि आपने कोई दूसरी नियमावली कोई बना रखी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई आपने लिस्ट बना रखी है। सो ओके, अगर नहीं बना रखी है तो आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करके इसे ही, ये जो इस पोर्टल पे बनी हुई है उसे ही यस कर देंगे। और अगर आपने बना रखी है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल करके यहाँ पर आप अपलोड योर नियमावली, जो कि 200 KB की हो, PDF फॉर्मेट में है। ओके, तो यहाँ पर तो मैं अभी कर देती हूँ की दिस। ओके, और फिर इसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देती हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, लाइक द नेम ऑफ द सोसाइटी विल बी, सोसाइटी का नेम यहाँ पर आएगा। फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट, कि मैं इसे जूम कर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ आएगा द नेम ऑफ द सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। व्हाटएवर जो भी है हमारे डिस्ट्रिक्ट उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद ईमेल आईडी देनी होगी यहाँ पर हमें हमारी ईमेल आईडी देने के बाद पिन कोड आपके भोपाल का जो भी पिन कोड है। मोड ऑफ एप्लीकेशन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा नॉर्मल, एक होगा तत्काल। तो नॉर्मल में आपको 2 महीने लगेंगे आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में, बट आप तत्काल में करते हैं तो आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम लगेगा, बट यहाँ पर आपको फ़ीस थोड़ी ज़्यादा देनी होगी। यहाँ पर आपको तत्काल में 5000 अप्रोक्स फीस देनी होगी, जबकि नॉर्मल में आपको 3000 अप्रोक्स फीस देनी होगी। मैं यहाँ पर नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, अब जो उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर है द हेड ऑफिस ऑफ द सोसाइटी विल बी सिचुएटेड इट, मतलब हमारे जो सोसाइटी है उसका हेड ऑफिस हम कहाँ रखेंगे। तो वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, लाइक मैं ही रख देती हूँ कि हम भोपाल में ही रखेंगे। ओके, और तहसील यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, सोसाइटी का टाइप। यहाँ पर सोसाइटी का टाइप क्या है, आप कोई महिला मंडल सोसाइटी ओपन करना चाह रहे हैं, नॉर्मल सोसाइटी ओपन करना चाह रही है, युवक मंडल सोसाइटी ओपन करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर यू आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं कर लेती हूँ युवक मंडल सोसाइटी का कर लेती हूँ। ओके, फीस यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली लग गया है, नॉर्मल में 1000 रुपीज़ लग रही है अभी। ओके, और यहाँ पर अगर मैं तत्काल में देखती हूँ तो मेरी फ़ीस कितनी लग रही है तत्काल में, आप ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली 1500 आ गया, मतलब 1500 रुपये मेरी तत्काल में फ़ीस लग रही है। तो ठीक है, हम यहाँ पर नॉर्मली ही कर लेते हैं, जिससे हमारी फ़ीस 1000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली आ गई है। ओके,
अब यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव, ये है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी विल बी एज अंडर। यहाँ पर हम कितने भी ऑब्जेक्टिव्स डाल सकते हैं, जैसे मैंने जो भी डाला एंड मैंने उसके बाद इसे कर दिया है एंटर, और उसके बाद यहाँ पर मैं और भी डाल सकती हूँ नेक्स्ट। जैसे मैं इसे एंटर करूँगी तो सेकेंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ऐसे करके मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डाल सकती हूँ। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो ऑब्जेक्टिव से पहले से ही आप टाइप करके रख लीजिए, और जब ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन आए तो कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो पोर्टल है बहुत जल्दी टाइम आउट हो जाएगा, तो आपको इतना सारा टाइप करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये सारी प्रोसेस वेरी फास्ट करनी होगी आपको। तो यहाँ पर आप अपनी सोसाइटी के ऑब्जेक्ट क्लिक दीजिए, उसके बाद आपको और भी अगर ऑब्जेक्ट एड करने तो यहाँ पर आप एड पर क्लिक करेंगे ये, तो आपके और भी ऑब्जेक्ट्स एड हो जाएंगे, सेकेंड और एड हो जाएंगे ये। इस तरह से मैं ऐड करती जाऊंगी और यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे, यहाँ पर मैं पेस्ट करती जाऊंगी अपनी लाइंस जो मैंने वहाँ टाइप करके रखी। ओके, अब यहाँ है फोर्थ ऑप्शन, मेंबर्स ऑफ कमेटी। द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी इज इंटरेस्टेड बाय द रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी टू द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ डायरेक्टर कमेटी ऑफ गवर्निंग बॉडी हुज नेम्स एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन आर स्पेसिफाइड बिलो। मीन्स आपकी कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं जो भी हैं वो कहाँ कहाँ डेजिग्नेट किए जा रहे हैं, कितने मेंबर हैं, तो आपको मैं ये बता दूँ, अगर आप नेशनल लेबर सोसाइटी बना रहे तो आपको मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, और अगर आप मिनिमम 8 मेंबर चाहिए, और अगर आप स्टेट लेबर सोसाइटी बना रहे तो आपको मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप कोई सोसाइटी बना रहे हैं लेकिन आपके मेंबर जा रहे हैं, तो यहाँ से आप मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, तो आपके मेंबर्स ऐड हो जाएंगे। ये देखिए आपके मेंबर ऐड हो चुके हैं, फिर से मैं ऐड पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ये जो मेंबर है वो 9 हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट मेंबर का नेम डालूँगी, उसके फादर या हस्बैंड का नेम डालूँगी, और उसकी डेजिग्नेशन यानी हमारे इधर वो प्रेसिडेंट है क्या है, किस लोकेशन पे कौन सा डेजिग्नेशन हम उसे दे रहे हैं, उसका एड्रेस, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट, स्टेट यहाँ पर, और फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, इस तरह से हम 1x1 सारे मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन सारे मेंबर्स का करते जाएंगे डिटेल्स ऐड। ओके, सारे मेंबर्स के डिटेल्स को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा विटनेस नेम। विटनेस नेम में आएगा कोई भी, हमारे जो मेंबर है उनमें से किसी भी एक, जो इसमें मेंबर नहीं है लेकिन उसकी जान पहचान का है, तो हम उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे, उसके फादर का नेम एंटर कर देंगे, और उसका जो प्लेस है, बिजनेस है, वो क्या करता है, वो हम यहाँ पर उसकी डिटेल्स एंटर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर आया है सेकंड, सेलेक्ट द अपलोड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द सोसाइटी। सोसाइटी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे। नियमावली जैसे हमने ऊपर रखा है कीप, दैट्स यानी यहाँ पे हमने अपनी कोई भी नियमावली नहीं की है, वहाँ पर हमने कीप पेस्ट कर दी थी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, वहाँ पर अभी आपको दिखाया था मैंने। ओके, और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर आई डी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर का मीन्स है हमारे जो सोसाइटी में जितने भी ऑफिसर है, यहाँ पर हमने जितने भी मेंबर सेलेक्ट किए उन्हें ऑफिसर कहा जाता है। ओके, तो उन्हीं की हमें आईडी देनी है और उनका एड्रेस देना है। तो आईडी में हम क्या देना चाहते हैं, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, हम देना चाहते हैं डिपॉजिटली अकाउंट स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर क्या। ओके, मैं यहाँ पर पैन नंबर सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो यहाँ पर आपको पैन नंबर देना होगा और आइडेंटिफिकेशन नेम, यानी आपको यहाँ पर उसका पैन नंबर एंटर करना होगा। ओके, पैन नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफिसर एड्रेस डालना होगा, और नंबर ऑफ एड्रेस मतलब आपके एड्रेस का जो नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। उसके बाद में आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में आपका पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जैसा सोसाइटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप पूरा फिर से रीचेक कर लेते हैं, और अगर कुछ भी इसमें गलती हो गई आपसे आप फिर से एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद फाइनली आप जब दोबारा से करेंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, सेव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप वहाँ पर सेव करेंगे तो आपके सामने क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये सब हो चुका है आपका, लेकिन अभी आपको याद होगा आपने जो 1000 रुपीज़ आपकी जो फीस आई थी वो आपको पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन चालान बनाना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन एक चालान बनाते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें जाना होगा, चालान बनाने के लिए हमें जाना होगा एक पोर्टल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उस पोर्टल पर या उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक इंटरफेस खुलेगा जो होगा कुछ इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पर
गवर्नमेंट के mptrace.org पे आ चुकी हूँ। इस पोर्टल पर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी हमने जो अपना फर्म एंड सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया था उसकी जो फीस थी उसके लिए हमें ऑनलाइन चालान बनवाएंगे और उस चालान के थ्रू ऑनलाइन ही पेमेंट कर देंगे। ओके, तो इसकी पेमेंट के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं एमपी गवर्नमेंट के treasury.org पोर्टल पर। यहाँ पर आ जाने के बाद हम इस पोर्टल पे जो इंटरफेस है वो हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस पोर्टल पर आने के लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा साइबर ट्रेजरी। तो साइबर ट्रेजरी पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप साइबर ट्रेजरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर मुझे फर्म एंड सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक चालान बनाना है, तो मैं यहाँ पर फर्म एंड सोसाइटी पे क्लिक कर दूँगी। फर्म एंड सोसाइटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कुछ इन्फॉर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर दूँगी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेरी सोसाइटी का है, ऑफिस नेम डाल दूँगी, डिवीजन डाल दूँगी, फर्म एंड सोसाइटी का नेम डाल दूँगी, एड्रेस डाल दूँगी, ईमेल डाल दूँगी अपना, और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद मैं यहाँ सारे ऑप्शन फिलअप करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी। सबमिट पर क्लिक करने के बाद मेरा पूरा फॉर्म मुझे दिख जाएगा जो कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पर मुझे एक कार्ड एंटर करने के लिए होगा। यहाँ मैं कार्ड एंटर करूँगी, कन्फर्म पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने एक CRN नंबर जनरेट हो जाएगा। इस CRN नंबर को मैं नोट भी करके रख सकती हूँ। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूँगी। ओके पर क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ बैंक्स की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें मैं यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लूँगी और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपना एक चालान बना लूँगी। ऑनलाइन बैंकिंग मेरे सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ से मैं चालान बना लूँगी। चालान बनाने के बाद मेरा ये देखिए कुछ एक ऑनलाइन चालान बन चुका है, जिसका मैं PDF ही डाउनलोड कर सकती हूँ। और इस चालान को बनाने के बाद PDF डाउनलोड कर लूँगी, इसका नंबर नोट कर लूँगी, चालान का नंबर मैं नोट कर लूँगी, एंड देन मैं यहाँ से लॉगआउट हो जाने के बाद वापस से मैं जाऊंगी अपने एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर। वहां पर जैसे अभी हमने लॉगिन किया था फर्म एंड सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, वैसे ही हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वापस से अपने एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर। ओके, ये मैंने इस पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है और मैं पासवर्ड सेव नहीं करना चाहती यहाँ पर। ओके, लॉगिन करने के बाद मैं जाऊँगी मेरे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, जैसा मैंने आपको बताया था ट्रैक एप्लीकेशन। अब हम जाएंगे ट्रैक एप्लीकेशन। ट्रैक एप्लीकेशन में हमें ऑप्शन दिख रहा है ड्राफ्ट एप्लीकेशन, ट्रैक एप्लीकेशन सॉ रिसीव्ड, अनपेड एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन स्टेटस। तो अभी हमारी अनपेड एप्लीकेशन, हमने चालान बनाया है ऑनलाइन बट अभी हमने चालान यहाँ लगाया नहीं है। ओके, तो हम यहाँ अनपेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अनपेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास होंगे, फर्म और सोसाइटी। तो हमने अभी यहाँ फर्म एप्लीकेशन नहीं, सोसाइटी एप्लीकेशन बनाई थी। तो सोसाइटी एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का एक आ जाएगा। यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो उस तरह से ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा प्रोसेस टू पेमेंट। प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपनी चालान के डिटेल्स यानी CIN नंबर डाल देंगे। चालान का, जब आपका चालान जनरेट हुआ था तो वहाँ पर आपने एक PDF भी डाउनलोड की थी, तो उस PDF में आप CIN नंबर चेक करके यहाँ पर कॉपी करके वहाँ से पेस्ट यहाँ कर देंगे, और इस तरह से आप CIN नंबर डाल देंगे। CIN नंबर एंटर करने के बाद कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर आप करेंगे ओके पे क्लिक, एंड देन आपके सामने आपकी पूरी एप्लीकेशन फॉर्म आपको शो होने लगेगा, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड करके रख सकते हैं, इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं आप। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और चालान भी ऑनलाइन बन जाता है। तो यहाँ पर आपका फर्म एंड सोसाइटी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको फर्म एंड सोसाइटी से रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। हैव अ गुड डे।